नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पांच ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जो बहुत ही काम की होने वाली हैं, जिनका यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वेबसाइट का नाम है ऑटो ड्रॉ। अगर आप लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग करना पसंद है आप लोगों को, तो माउस की सहायता से पेंटिंग बनाना काफ़ी दिक्कत देता है, परेशानी होती है, अच्छे से पेंटिंग नहीं बन पाती है। तो उसी के लिए ये एक गूगल की AI बेस्ड वेबसाइट है, जहां पर आप पेंटिंग बना सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां पे पेंटिंग बनाना बहुत आसान है। आप कोई एक टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह का फिगर बनाइए, फिर उसी से रिलेटेड AI की सहायता से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, हमने एक झोपड़ी ड्रॉ की है और झोपड़ी के हमें ऊपर कई सारे ऑप्शन मिल गए हैं, उनमें से हम कोई भी एक ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें पेड़ बनाना है तो पेड़ का एक गंदा सा डिज़ाइन बनाते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और देखिए, इससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस तरह का चाहें पेड़ यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ये वाला ले लिया। अब आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा रिसाइज करके अपने हिसाब से, अपने जैसा आप चाहें, जहाँ पे चाहें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट की सहायता से पेंटिंग करना बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा तरीका है। इसमें अगर बाद में चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें कलर भी किया जा सकता है, तो कलर वाले ऑप्शन पे जाके आपको नीचे कलर चूज़ कर लेना है और जिसमें भरना है उस पर सीधा क्लिक कर देना है, आपकी पेंटिंग कलर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको बुक मार्क करके ज़रूर रखिएगा, जब भी कभी बनाइएगा तो आप इससे बना सकते हैं। और इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं पेंटिंग बनाने के लिए। ओके दोस्तों, हमारी दूसरी वेबसाइट है हॉटपॉट। ये एक AI बेस्ड वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी पुरानी फ़ोटो, पुरानी से पुरानी फ़ोटो हो, उसको रिस्टोर करके एकदम नया बना सकते हैं। उसमें जो कमियाँ होंगी उसको वो अपने आप AI की सहायता से पूरा कर देगा। मैं आपको यहाँ पे एक पुरानी फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। ये काम आप फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोशॉप से करने के लिए आपको फ़ोटोशॉप की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। यहाँ पे सिर्फ 10-15 सेकेंड लगता है और आपकी फ़ोटो रिस्टोर हो जाती है। इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। ये हमारी फ़ोटो रिस्टोर होने के बाद की है और ये हमारी पहले की है। तो जो लेफ़्ट वाली है पहले की, राइट वाली बाद की है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना अच्छा है और कितनी बढ़िया फ़ोटो हमारी रिस्टोर हुई है। तो इस तरह से आप कोई भी आपके दादा परदादा या किसी परिवार में किसी सदस्य की फ़ोटो जो ख़राब हो गई है, तो उसको आप यहाँ से अच्छे से रिस्टोर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में। इसके बाद जो हमारी तीसरी वेबसाइट है, वो इसी वेबसाइट का एक दूसरा फीचर है, जहाँ पे आप किसी भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर्ड कर सकते हैं, वो भी AI की मदद से सिर्फ कुछ ही सेकंड में, जैसा कि आप ऊपर एग्जांपल देख पा रहे होंगे। मैं अपनी एक फ़ोटो लेता हूँ, ये मैंने ब्लैक एंड वाइट की है। यहाँ पर कलर पैलेट भी दिए गए हैं, आप 10, 15, 12 या 25 तक जितने लेना चाहें ले सकते हैं। सीधा फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक AI की मदद से फ़ोटो को कलर करके दे देगा। तो आप किसी भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इस वेबसाइट का। आप दोनों में फ़र्क देख पा रहे होंगे, मेरी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो और मेरी कलर्ड फ़ोटो। अगर आपके पास कोई काफ़ी पुरानी फ़ोटो है या कोई सीनरी है, तो वहाँ पे भी इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फ़र्क देख सकते हैं कितना बढ़िया रिस्टोर करके, मतलब इसने कलर करके हमको फ़ोटो दे दी है। अब मैं इसको 25 फैक्टर पे करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो 25 पे करके भी आप इसको कलर कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे कलर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ये। कुछ समय ले रहा है प्रोसेसिंग करने में, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। इंटरनेट की स्पीड पे ही डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा प्रोसेसिंग करने में। वैसे नॉर्मली ये 10 से 15 सेकंड लेता है और ये आपको फ़ोटो डाउनलोड करके दे देता है।
तो चलिए ये भी डाउनलोड होने वाली है, बस हुई जा रही है। उसके बाद आपको ये वाली फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। जो पहले वाली थी वो 12 कलर पैलेट पे थी और ये 25 पे है। तो देखिए ये उससे थोड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कलर्स आ गए हैं। ये देखिए ये हमारी कलर्ड है और वो हमारी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। ये हमारी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और ये हमने कलर्ड करने के बाद जो फ़ोटो हमारी बनी है वो इस प्रकार की बनी है। अब AI की सहायता से करता है, सिर्फ कुछ सेकंड में करता है, तो जितना नेचुरल होता है उतना परफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक बढ़िया फ़ोटो बना के देता है आपको। इसके बाद हमारी जो चौथी वेबसाइट है इसका नाम है RemoveBG। तो इस वेबसाइट की सहायता से आप लोग अपनी तस्वीर का, अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड में। करना क्या है, आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा के आपको फ़ोटो दे देगा। ये देखिए इस तरह से आपकी फ़ोटो बैकग्राउंड हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है और एक नीचे डाउनलोड HD का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जो नॉर्मल साइज़ है 433x577, इस रेजोल्यूशन में इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको HD में ये डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करना चाहते हैं तो जो पहली बार साइन अप करेंगे तो आप एक फ़ोटो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं HD में। तो आप लोग इस वेबसाइट को बुकमार्क करके रख लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है वेबसाइट। अगर इसको आप फ़ोटोशॉप से रिमूव करेंगे बैकग्राउंड तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा और यहाँ पे सिर्फ कुछ सेकंड में फ़ोटो बैकग्राउंड हटा के दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी और काम की वेबसाइट है। वैसे नॉर्मल साइज़ में भी अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तब भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़े साइज़ पर जब इसको देखेंगे TV वगैरह पर तो थोड़े पिक्सल आपको कमज़ोर लगेंगे। इसके बाद हमारी पांचवी वेबसाइट है डिक्टेशन। इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, बोलकर किसी भी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, चाहे आपको लिखना पढ़ना आता हो या ना आता हो, आप जो बोलेंगे वो इस वेबसाइट से सीधा लिख जाएगा। इसमें बहुत सी भाषाएं भी दी गई हैं। अगर उनमें से आपको कोई भाषा नहीं आती है तो उस भाषा में भी आप बोल कर लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपने लिखा है उसे कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने पे आपका नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने लिखा है तो ऊपर एडिट करने के भी कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो बार दिया गया, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं, तो आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश बोल सिलेक्ट कर दिया है या हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट करिए और सीधा माइक्रोफोन पे क्लिक करके बोलना शुरू कर दीजिए और आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पर लिख जाएगा। तो ये पाँच वेबसाइट जो हैं बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही काम की वेबसाइट हैं। दोस्तों मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन जो है यू काम नहीं करता, इसीलिए मैं आपको बोल कर यहाँ पर दिखा नहीं पाया लिखकर, ठीक है। लेकिन आप लोग लिखेंगे, अगर आपके फ़ोन या मोबाइल का जो लैपटॉप का या PC का माइक्रोफोन सही है तो आप यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर लिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पाँचों वेबसाइट आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से इन वेबसाइट को समझ सकें, देख सकें और इनका फ़ायदा उठा सकें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।